हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी रोज़ वाटर। घर का फ्रेश रोज़ वाटर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको उसके लिए बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता और आराम से आप घर पे उसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके भी गार्डन में मेरे गार्डन की तरह अगर गुलाब के फूल है तो आप उसका यूज़ करिए। तो इसमें मैंने लिए हैं 2 गुलाब। मेरे यहाँ के गुलाब बहुत अच्छे हैं और इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए मेरे लिए 2 इनाफ है, क्योंकि हर वीक में 7 डेज कंप्लीट होने बाद नेक्स्ट वीक के लिए रोज़ वाटर तैयार कर लेती हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ज़्यादा बनाकर 6 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने दोनों गुलाब के पंखुड़ियों को अलग कर दिया है और अच्छे से अलग करने के बाद हम इसे पानी से धो लेंगे, क्योंकि डस्ट वगैरह होती है तो हम इसकी डस्ट रिमूव कर लेंगे। अब जितने सुंदर ये गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है, उतना ही सुंदर ये आपके चेहरे को बनाती है, आपके स्किन को लाइट करती है, उस पर किसी भी तरीके के डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है। तो अब हमारे गुलाब की पत्तियाँ धुलकर रेडी है। अब हम इसके पानी को हटा देंगे और इसे ड्राई कर लेंगे। अब इसमें हम गर्म पानी मिक्स करेंगे। अब रोज़ वाटर बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर मुझे सबसे सिंपल तरीका यही लगता है कि आप पंखुड़ियों को धोकर उसमें गर्म पानी को रख डाल दें और उसके बाद उससे आप प्रेस करके नीचे की ओर डिप कर दें और उसको ढक्कन लगा के आप ढक दो, क्योंकि 3 से 4 घंटे अगर आप उसे रखते हो तो पंखुड़ियों का रंग भी चला जाता है पानी में, साथ ही साथ उसमें जितने भी गुण होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपका बहुत अच्छा रोज़ वाटर तैयार हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पंखुड़ियों का रंग बहुत फीका हो गया है और पानी में उनका कलर आ गया और जितने अच्छे उनके बेनिफिट्स है वो सब पानी में आ गए हैं, बहुत सुंदर बन के तैयार हो गया है। तो आप इसी तरह बना सकते हैं घर पे। देखिए, बहुत प्यारा कलर आ गया है, एक अच्छा सा रोज़ वाटर बनके तैयार हो गया है। अब मैं इस रोज़ वाटर को डेली यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग। इससे हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारी स्किन को लाइट करता है, जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे फेस पे उसे क्लीन करता है, पिंपल्स को रिमूव करता है, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है उसको ख़त्म करने का काम करता है, चेहरे से झाइया को दूर करता है, जो झुर्रियाँ जिससे कहते हैं रिंकल्स वो दूर हो जाते हैं। आपके चेहरे पे अगर मॉइस्चर की कमी है, स्किन डल हो गई है, शाइन नहीं है, तो रोज़ वाटर के डेली यूज़ से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो यह आपके फेस के लिए बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी डेली रूटीन का, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। रोज़ वाटर का टोनर सबसे अच्छा होता है। मार्केट में महंगे से महंगे प्रोडक्ट लोग लगाते हैं और उसके बाद उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, बट अगर आप डेली रोज़ वाटर का यूज़ करते तो आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो आप मॉर्निंग में टोनर का यूज़ करिए, इवनिंग में आप टोनर का यूज़ करिए और 7 डेज़ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करिएगा ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।